नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंटरेस्टिंग ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि उज्जैन में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, होटल का खर्चा कितना है, वो सारी डिटेल्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाई थी और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दिया है। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उज्जैन के अंदर टॉप 7 प्लेसेस। जब भी आप उज्जैन की यात्रा के लिए जाते हैं तो आप एक ही दिन में कौन कौन सी 7 फेमस प्लेसेस हैं जो उज्जैन में आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें और थोड़ा सा सपोर्ट करें। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग के 5 किलोमीटर की रेंज में ही आप होटल रूम ले और उसके बाद जब भी आप अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं, अगर आप शाम को जाते हैं तो सुबह मॉर्निंग में अपनी यात्रा की शुरुआत करें। कोशिश ये करें कि आप संडे के दिन जाएं ताकि मंडे के दिन आप भोलेनाथ के दर्शन करें। और अगस्त के महीने में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी झांकी देखने को मिलेंगी, बहुत सुंदर झांकी वहाँ पर होती हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इस वीडियो में सारी जो जितने भी यहाँ पे फेमस प्लेसेस हैं आप एक ही दिन के अंदर कैसे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जहाँ भी आपका रूम है वहाँ से आप एक ई रिक्शा बुक करें। अगर ई रिक्शा आप ग्रुप में बुक करते हैं, 3 से 4 या 5 लोग होते हैं, अगर आप अपने पर्सनल कन्वेंस से जा रहे हैं तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ट्रेन वगैरह के माध्यम से जा रहे हैं, अपने पर्सनल कन्वेंस से नहीं जा रहे हैं, तब आप ई रिक्शा बुक करें। और ई रिक्शा जो आप बुक करते हैं उनसे आप पहले ही तय कर लें कि वो आपको कितनी लोकेशन दिखाने वाले हैं। तो जितनी लोकेशन मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ वो सारी लोकेशन आप याद रखें ताकि आप उनसे जब भी आप ई रिक्शा बुक करते हैं और वहाँ आप ये वीडियो देखने के बाद जाते हैं तो आप सारी लोकेशंस के नाम याद रखें। उससे क्या होगा कि आपकी कोई भी लोकेशन वहाँ पे मिस नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको जो ई रिक्शा बुक करने के बाद जाना है वो जाना है रामघाट, जो कि शिप्रा नदी के तट पर है। रामघाट जो महाकाल ज्योतिर्लिंग है उससे 800 मीटर की दूरी पर है और यहीं पर आपको सारे फेमस प्लेसेस जो है मोस्टली वो यहीं पर आपको मिल जाएंगे, जैसे कि हर सिद्धि मंदिर, महाकाल कॉरिडोर, भारत माता मंदिर। तो यहाँ पर आप 4 लोकेशन कवर कर सकते हैं जो कि 2 से 3 घंटे के अंदर। तो सबसे पहले जब आप शिप्रा नदी जाते हैं तो वहाँ पर स्नान करिए। सामने जो अभी आप ये लोकेशन देख रहे हैं ये रामघाट है और ये सामने जो यहाँ पर आपको जो ये पवित्र नदी दिखाई दे रही है यही शिप्रा माता नदी है और यहाँ का व्यू बहुत सुंदर होता है सुबह का। तो यहाँ पर आप सबसे पहले स्नान करें, यहाँ पे पूजा आरती वगैरह करें और यहीं पर आप बोटिंग भी कर लें। 30 रुपये में बोटिंग होती है जिससे क्या होगा आप यहाँ का जो साइड का व्यू है ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं और इस लोकेशन का आप पूरा मजा ले सकते हैं और दोबारा आपको इस लोकेशन पर आने की जरूरत नहीं होगी। तो ये लोकेशन कवर करने के बाद आप सबसे पहले जाइए गणेश जी के दर्शन करने। तो बड़ा गणेश जी टेम्पल यहाँ पे बहुत प्राचीन है और इसकी मान्यताएं भी बहुत ज्यादा है और अच्छा काम करने से पहले गणेश जी के दर्शन करें ताकि आपकी यात्रा मंगलमय हो। उसके बाद पहुंच जाइए आप सीधा महाकाल कॉरिडोर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। तो ये जो अभी आप चौराहा देख रहे हैं ये मेन चौराहा है, तो आपके रिक्शा वाला आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और सामने की तरफ ही आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग दिखाई दे जाएगा यहाँ से। तो आप सीधा जो अभी आप मंदिर देख रहे हैं इसी मंदिर के अंदर महाकाल ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ से आपको लगभग 200 मीटर आपको पैदल चल के जाना होगा। तो यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और चप्पल जूते भी यहाँ पर आप स्टैंड है यहाँ पर उतार सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर जाने का कोई चार्ज नहीं होता, सिर्फ आपको यहाँ पर अगर आपको भस्म आरती देखनी है तो उसका अलग से पे करना होगा जो कि आप ऑनलाइन यहाँ पर वीडियो वगैरह में देख सकते हैं। और भस्म आरती देखने के लिए आप सुबह 4 बजे आपको उठ के जाना होता है, सुबह 4 बजे से भस्म आरती होती है जिसकी आप पर्ची ले सकते हैं। और अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं दिन में तो उसके लिए आपको कोई पर्ची वगैरह नहीं लेनी। आप ये शानदार जो अभी आप गैलरी देख रहे हैं यहाँ से होते हुए आपको अंदर की तरफ जाना है और यहाँ पर आप जो नजारा देखेंगे ये बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर आप भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए आप सीधा अंदर आ जाएंगे, लगभग यहाँ पे आधे घंटे का समय लगता है और आपको सामने की तरफ आप देख सकते हैं महाकाल के आप दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पूजा आरती होती है उसके लिए आप वहाँ काउंटर पे बात कर सकते हैं अलग से, अदरवाइज आप दर्शन करिए अच्छे से। यहाँ पर 5 से 7 मिनट के लिए आप दर्शन कर सकते हैं, जितना आप जल्दी जाएंगे उतना आपको अच्छे से दर्शन हो पाएंगे। उसके बाद आप जब बाहर आएंगे तो यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं और अच्छे से यहाँ पे घूम सकते हैं। उसके बाद इसके जस्ट राइट साइड में ही आपको महाकाल कॉरिडोर देखने को मिलेगा। तो महाकाल कॉरिडोर जो है ये आपको 2 बार देखना होगा, एक बार दिन में और एक बार रात में।
क्योंकि दोनों का ही नजारा इसका बहुत सुंदर है। जो दिन का व्यू है वो उसकी सुंदरता अलग होती है और रात का व्यू है उसकी सुंदरता अलग होती है। रात में जो लाइटिंग का नजारा होता है वो बहुत प्यारा लगता है। रात में यहाँ पे जो अभी आप सामने देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा फाउंटेन है, ये पूरा ये चलता है रात में और यहाँ की जो लाइटिंग होती है तो उसका जो नजारा है जबरदस्त लगता है। और ये महाकाल कॉरिडोर बहुत सुंदर बना हुआ है, ये लगभग 900 मीटर में बना हुआ है तो पूरा 1 किलोमीटर के करीब ही है ये, जिसमें आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं अगर आप अच्छे से घूमते हैं। इसका जो एंट्रेंस गेट है ये भी बहुत शानदार बना हुआ है और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। इसमें जो पत्थर का यूज हुआ है वो भी बहुत सुंदर है, तो ये रात में आप जरूर देखें। यहाँ पे दर्शन करने के बाद, यहाँ घूमने के बाद आप थोड़ा सा अगर पैदल चलेंगे 100 मीटर के लगभग, तो राइट साइड में ही आपको यहाँ पर भारत माता मंदिर के दर्शन करेंगे। आप भारत माता मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, वहाँ पे अखंड ज्योति आपको हमेशा जलती मिलेगी। तो ये भारत माता मंदिर है, इसी के साथ आपकी 4 लोकेशन कवर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको लगभग 20 से 25 मिनट लग जाते हैं और उसके बाद वापस आप वहीं पे आ जाइए। जो मेन चौराहा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, तो ये वो मेन चौराहा है। यहाँ से वापस से जब आप आएंगे तो फिर से आप ई रिक्शे में बैठेंगे और अपनी अगली लोकेशन की तरफ जाएंगे। अगस्त के महीने में जैसे मैंने भी आपको बताया, यहाँ पर बहुत सारी झांकी आपको देखने को मिल जाती है। तो वापस से ई रिक्शे में बैठेंगे और फिर हमारी अगली जो लोकेशन है उस पर चलेंगे। तो हमारी जो अगली लोकेशन है वो है भगवान श्री कृष्ण की प्राथमिक पाठशाला ज्योति, जो कि महर्षि संदीपनी आश्रम है। तो यहाँ पर आपको जब आप इस आश्रम के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो भी अपनी बचपन में विद्याएं ग्रहण की थी वो सारी विद्याएं यहाँ पर चित्र के द्वारा दिखाई जाती हैं। इसके अंदर एक बहुत शानदार तालाब है और यहाँ पर आप सर्वेश्वर महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। तो ये लोकेशन बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपको जो पुराने समय की जो पेंटिंग्स होती हैं वो आपको लगभग यहाँ पे 1000 से ज्यादा तरह की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर एक छोटा सा म्यूजियम भी है। उसके बाद ये लोकेशन के बाद आप सीधा पहुंच जाएंगे मंगल लाट टेम्पल, जहां पर मंगल भगवान का जन्म माना जाता है और यहाँ पर मंगल ग्रह शांति के लिए पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद यहीं पर उसके ठीक सामने ही यहाँ पर धरती माता का मंदिर है। तो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में एक ही धरती माता का मंदिर है जो कि उज्जैन के अंदर है और जो कर्क रेखा के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ का नजारा बहुत सुंदर है, मैं आपको साइड का व्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने वीडियो में कितनी शानदार यहाँ पे हवा चल रही है और ये इस मंदिर के दोनों तरफ से शिप्रा नदी है लेफ्ट और राइट में भी। और यहाँ पर बैठ के आप खाना वगैरह खा सकते हैं, थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ का नजारा बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे भी लगभग आपको 1 घंटा लग जाएगा अगर आप अच्छे से घूमते हैं शांति के साथ आराम से। तो अगर आप सुबह 8 बजे भी चलते हैं यहाँ पे तो लगभग शाम को 5-6 बजे तक आप पूरी लोकेशंस कवर कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप ई रिक्शे में बैठ जाइए और अगली लोकेशन की तरफ चलिए। इसके बाद अगली लोकेशन है जो कि है सिद्धवट मंदिर। तो ये सिद्धवट मंदिर है, ये बहुत सुंदर है ये भी। और यहाँ पर भी नवग्रह पूजा की जाती है, जो नवग्रह शांति के लिए पूजा की जाती है। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं तो यहाँ पर आप खाना वगैरह भी खा सकते हैं। तो आप यहाँ पर 1 से 2 घंटे का टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। ये मंदिर भी देखने में बहुत सुंदर है और ये उतना ही प्राचीन मंदिर है। तो ये माता पार्वती को समर्पित है। ये जो ये प्राचीन मंदिर अभी आप सामने देख रहे हैं ये वो प्राचीन मंदिर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है सिद्धवट माँ पार्वती मंदिर। और इस मंदिर के बैक साइड में दोनों तरफ से आपको शिप्रा नदी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर भी स्नान वगैरह कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं और इसका नज़ारा भी बहुत सुंदर है। तो यहाँ घाट पर आप थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं और इस नज़ारे का आप आराम से मजा ले सकते हैं। तो ये व्यू आप जो अभी आप देख रहे हैं ये सिद्धवट टेम्पल है और ये बहुत सुंदर है यहाँ का नज़ारा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पूजा करने के लिए जाते हैं, अगर आप नवग्रह की पूजा, तो उसमें 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो ये आप अभी जो देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पर पूजा की जाती है। इसके बाद जो हमारी अगली लोकेशन है वो है भैरवनाथ मंदिर। तो अगर आप महाकाल के दर्शन करते हैं तो मान्यता है कि महाकाल के दर्शन अगर आपने किए हैं तो आप काल भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। और ये मंदिर जो है यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है, तो यहाँ पर आपको 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं।
अभी आप सामने की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर यात्री आते हैं सभी दर्शन करने के बाद, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद, महाकाल के दर्शन के बाद सीधा पहुंचते हैं लास्ट में काल भैरवनाथ मंदिर। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और यहाँ पे लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगने वाला है। तो मौसम काफी अच्छा है इसलिए लाइन में लगने में कोई दिक्कत नहीं हुई और लगभग 3 घंटे में हमारा नंबर आया और हमने काल भैरव बाबा के दर्शन किए। और यहाँ पर प्रसाद के रूप में मदरा भी चढ़ाई जाती है, वो कंपलसरी नहीं है, अगर आपका मन है तो आप चढ़ा सकते हैं, अदरवाइज आप दर्शन करके अगली लोकेशन की तरफ जा सकते हैं। तो अगली जो लोकेशन है यहाँ पर वो है, ये भी मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर बहुत फेमस है, जिसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है और इस मंदिर का नाम है गढ़ कालिका देवी मंदिर। उसके बाद यहाँ पर सारी लोकेशन आपकी कवर हो जाती है, आप आराम से खाना खाइए। यहाँ पर आपको 100 रुपये से लेकर 200, 250, 300 में अनलिमिटेड थाली मिल जाती है। और शाम के समय आप थोड़ा रेस्ट करने के बाद यहाँ पर शाम को भी अगर अगस्त के महीने में जाते हैं तो बहुत सारी यहाँ पे झांकी देखने को मिलेंगी। और उसके बाद शाम को फिर आप पहुँच जाइए सीधा महाकाल, जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर आप पहुँच जाइए और वहीं पर यहाँ पर बहुत फेमस मंदिर है जिसकी आरती बहुत ज़्यादा फेमस है और इस मंदिर का नाम है हर सिद्धि टेम्पल। तो शाम यहाँ पर आप शाम को ज़रूर जाएँ क्योंकि यहाँ की जो शाम की भव्य आरती होती है ये बहुत सुंदर होती है और इसका नज़ारा अद्भुत होता है सच में देखने में। तो ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं यहाँ की जो शाम की भव्य आरती होती है बहुत सुंदर होती है, आप इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप उज्जैन जाते हैं तो ये आप जरूर देखें। और मैं अभी आपको ये आरती का थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ, यहाँ की भीड़ देख के आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पे ये कितनी जबरदस्त होने वाली होती है आरती। यहाँ की भव्य आरती देखने के बाद आप सीधा पहुंच जाइए, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित है जो उज्जैन के महाराजा थे विक्रमादित्य, उनका मंदिर है। तो यहाँ भी आप जाइए और यहाँ पर सिर्फ आपको आधा घंटा ही लगने वाला है और रात को 9:30 बजे तक ये ओपन होता है। तो यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के दर्शन करने के बाद और यहाँ का जो नज़ारा है बहुत सुंदर है, आप सीधा पहुंच जाइए सीधा महाकाल कॉरिडोर। तो महाकाल कॉरिडोर आप रात में जरूर देखें, यहाँ की जो लाइटिंग है, जो रात का व्यू है अभी आप सामने की तरफ देख ही रहे हैं, ये बहुत सुंदर है। तो ये यहाँ पर एक दिन में इस तरह से आप उज्जैन का पूरा ट्रिप कर सकते हैं। और यहाँ पर होटल्स वगैरह की जानकारी के लिए आप मेरा पुराना ब्लॉग जरूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनके साथ आप इस ट्रिप पे जाना चाहते हैं और थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। तो ये रात का नज़ारा है यहाँ का उज्जैन का जो महाकाल कॉरिडोर का, ये सच में बहुत सुंदर होता है। तो आप उज्जैन महाकाल का ट्रिप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, एक दिन आने का और एक दिन जाने का, और एक दिन में वहाँ के सारे बेस्ट लोकेशंस आप देख सकते हैं। तो अगर आप वीकेंड पे जाना चाहते हैं तो आप फ्राइडे नाइट में निकलिए, सैटरडे को वहाँ पे अच्छे से घूमिए और संडे में वापसी और मंडे को सीधा ऑफिस। तो ये आप वीकेंड पे आप ट्रिप प्लान करिए। और उज्जैन साल 2023 की सबसे नंबर 1 टूरिस्ट प्लेस माना गया है, यहाँ पर इतने सारे लोग घूमने आए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू सो मच दोस्तों।